हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ज़ाओ फैन फाइनली ओल्ड शामैन के साथ कोस्टिंग से लौट चुका था। अगले दिन ओल्ड शामैन बियाओ को दोबारा से जिंदा करने का प्रोसेस शुरू करने वाले थे, लेकिन उससे पहले आज के लिए वो रेस्ट करने चले गए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे। वहीं ज़ाओ फैन बियाओ से मिलने आया था, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था और वो कह रहा था कि हम दोनों लाइफ टाइम साथ रहेंगे, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब आगे सीन बदल जाता है और हमें फेंगटियान वैली के सीक्रेट चैम्बर का सीन दिखाया जाता है। सीक्रेट चैम्बर को एक पर्दे ने दो हिस्सों में बांट रखा था। पर्दे के पीछे अभी के लिए एक आदमी मौजूद था जो कोई और नहीं बल्कि फेंगटियान वैली के मास्टर या कहो लीडर थे। पर्दे की दूसरी तरफ चैंग मौजूद था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी, जैसे कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया हो। तभी फेंगटियान वैली के मास्टर कहते हैं, चैंग, मैंने सुना है कि जब तुम नाइन टेल फॉक्स का पीछा कर रहे थे तब तुमने अचानक से उसका पीछा करना छोड़ दिया और तुम फेंगटियान वैली लौट आए। क्या मैं जान सकता हूँ क्या ये सच है और तुमने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर चैंग के चेहरे पर पसीना आ जाता है। वह बिकली काफ़ी ज़्यादा परेशान था, उसे इसी सवाल का डर था और अभी ही डर उसके सामने आ चुका था, लेकिन उसे जवाब तो देना ही था, इसलिए हड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ मास्टर, ये सच है, पर मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। वो जब मैं नाइन टेल फॉक्स का पीछा कर रहा था तब बीच में कोई आ गया था, उसके आने की वजह से मुझे नाइन टेल फॉक्स का पीछा करना छोड़ना पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर मास्टर को इस बारे में किसने बताया, क्योंकि इस सीक्रेट चैम्बर में आने की परमिशन सिर्फ दो लोगों को थी, जिनमें पहला तो खुद चैंग था और दूसरा था मास्टर का डिसाइपल ली। शायद ली ने ही इस बारे में मास्टर को बताया था। अभी के लिए ये ख्याल चैंग के मन में चल रहा था। चैंग का जवाब सुनकर मास्टर उससे पूछते हैं, आखिर ऐसा कौन बीच में आ गया था जिसके आने की वजह से तुम्हें वापस लौटना पड़ा? इस पर चैंग हड़बड़ाते हुए सिर्फ दो शब्द कहता है, इविल शामैन। जैसे ही वो ऐसा कहता है, कमरे में अचानक से शांति छा जाती है और ये शांति लगभग 5 मिनट तक बरकरार रहती है। पिछले 5 मिनट में मास्टर ने कुछ भी नहीं कहा था। ऐसा लग रहा था कि इविल शामैन का नाम सुनकर वो परेशान हो गए थे। काफ़ी देर तक कमरे में शांति रहने के बाद भी चैंग वहाँ से नहीं जाता है, वो वहीं पर खड़ा रहता है। वो भी समझ रहा था, जब उसने भी पहली बार इविल शामैन को देखा था तब वो भी इसी तरह शॉक में चला गया था। थोड़ी देर बाद फाइनली मास्टर कहते हैं, लगता है अब उसे और रोकना मुमकिन नहीं है। इस पर शैंग अपना सिर हिलाने लगता है और कहता है, उस इविल शामैन के पास उस दिन मियाओ ट्राइब की होली स्टिक और ली ट्राइब की जेड बोन भी थी। अचानक से ही कमरे में एक आवाज़ गूंज उठती है, क्या? शैंग की बात सुनकर मास्टर बहुत ज़्यादा चौंक गए थे और उनके चेहरे पर अब परेशानी दिखने लगी थी। उनके शौक से चैंग ज़्यादा हैरान नहीं था, उल्टा वो तो आगे कहता है, ये सब करने वाला ज़रूर इविल बीस्ट गॉड होगा, उसने ही ली ट्राइब के शामैन को अपनी पावर दी और उसे कंट्रोल कर उससे मियाओ ट्राइब पर हमला करने के लिए कहा, और उस हमले के दौरान ली ट्राइब के उस आदमी ने ब्लैक फायर पर्ल एसेंस का यूज़ किया और मियाओ ट्राइब के ओल्ड शामैन को बुरी तरह से घायल कर दिया, जिस वजह से अब उन्हें इतनी ज़्यादा चोटें आई हैं क्या वो ज़्यादा दिनों तक नहीं जी पाएंगे। मुझे तो लगता है वो अगले 1 महीने में ही परलोक सिधार जाएंगे। उसकी बात सुन मास्टर थोड़ा परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर वो गुस्से में चैंग से कहते हैं, जब तुमने इविल शामैन को देख लिया था और उसके पास होली स्टिक और जेड बोन भी देख ली थी तो तुमने उस पर हमला कर ये दोनों चीज़ें उससे छीनी क्यों नहीं? इस पर चैंग हड़बड़ाते हुए कहता है, मैं ऐसा करना चाहता था, मगर इविल शामैन के साथ उस समय एक ड्रैगन था जो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, ऐसे में चाहकर भी उस पर हमला नहीं कर पाया और वो वहाँ से आसानी से बचकर निकल गया। ये बात सुनकर मास्टर भी अब परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर कहते हैं, लगता है बहुत बड़ी मुसीबत अब जल्द ही आने वाली है, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा, चाहे जो भी हो हमें कम से कम इसे रोकने की कोशिश तो करनी ही होगी। ये बात शायद वो खुद से ही कह रहे थे। अचानक से सीन बदल जाता है और हमें
क्विंग्विन सेक के टोंगटियान पीक का सीन दिखाया जाता है। पूरा टोंगटियान पीक बादलों से घिरा हुआ था। आज से 10 सालों पहले हुई बैटल में पूरा टोंगटियान पीक तबाह हो गया था। आजकल की क्रिस्टल हॉल तो बिल्कुल ध्वस्त हो गया था, लेकिन अभी के लिए हम ये देख सकते थे कि टोंगटियान पीक दोबारा से रीबिल्ड कर दिया गया है और क्रिस्टल हॉल को तो पहले से भी ज़्यादा मजबूत बनाया गया है। अभी के लिए लू सीढ़ियाँ चढ़ते हुए टोंगटियान पीक पर जा रही थी। रास्ते में मिलने वाला हर डिसाइपल उसे ग्रीट कर रहा था। वो भी सिर हिलाते हुए उन लोगों के ग्रीट का जवाब दे रही थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा की तरह ही एक्सप्रेशनलेस रहता था। आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली वो क्रिस्टल हॉल के सामने पहुंच जाती हैं और उसके अंदर एंटर कर जाती हैं। क्रिस्टल हॉल के अंदर एंटर करती ही उसे दिखाई पड़ता है लीडर की सीट पर ग्रैंड मास्टर बैठे हुए थे और उनके साइड में ही उसकी टीचर बैठी हुई थी। अपने टीचर को वहाँ पर देखकर लू चौंक जाती है। उसे लगा नहीं था कि उसकी टीचर भी यहाँ पर होगी। उसकी टीचर को ग्रैंड मास्टर ने आज से कुछ समय पहले साउथर्न बॉर्डर पर भेज दिया था। ऐसे में उसे नहीं लगा था कि उसके लौटने से पहले उसकी टीचर यहाँ पर लौट आएगी। अगर उसे पता होता तो वो यहाँ पर आने से पहले अपने टीचर से मिलने जरूर जाती। खैर, अभी के लिए उस कमरे में सिर्फ उसकी टीचर और ग्रैंड मास्टर मौजूद थे, जो शायद काफ़ी समय से उसी का ही इंतज़ार कर रहे थे। उसे देखते ही ग्रैंड मास्टर के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो हंसते हुए कहते हैं, तो तुम फाइनली लौट आई। लू जल्दी से जाती है और ग्रैंड मास्टर को ग्रीट करती है, जिसके बाद वो अपनी टीचर को देखती है और उनसे सवाल करते हुए कहती है, टीचर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो? इसका जवाब ग्रैंड मास्टर देते हुए कहते हैं, कल ही मुझे पता चला कि तुम अपने मिशन से लौटने वाली हो, इसलिए मैंने ये न्यूज़ तुम्हारी टीचर को दी और वो कल ही साउथर्न बॉर्डर से लौट आई ताकि वो यहाँ कर तुमसे मिल सके। हम लोग काफ़ी देर से इस कमरे में रुककर तुम्हारा इंतज़ार ही कर रहे हैं। इधर ग्रैंड मास्टर लू से बातें कर रहे थे, लेकिन अभी के लिए लू की टीचर की नज़रें उसके चेहरे पर ही टिकी हुई थी। लू का चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी के लिए हल्की सी परेशानी थी जो ग्रैंड मास्टर नहीं देख पाए थे, पर लू की टीचर ने देख ली थी। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, इस सफ़र के दौरान तुम फेंगजियान वैली के मास्टर से ज़रूर मिली होगी, तो कैसे हैं वो? और उन्होंने क्या तुमसे कोई इम्पॉर्टेंट बात कही? इस पर लू इस सफ़र में जो भी हुआ वो सब ग्रैंड मास्टर को बता देती है, लेकिन उसने ज़ाओफैन वाला पार्ट निकाल दिया था। उसने ज़ाओफैन के बारे में ग्रैंड मास्टर को कुछ भी नहीं बताया था। टीचर और ग्रैंड मास्टर लू की बात ध्यान से सुन रहे थे। वो लोग समझ गए थे कि इस सफ़र के दौरान लू ने काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किए थे। लू अभी भी ग्रैंड मास्टर और उसकी टीचर को अपने सफ़र के बारे में बता रही थी। वो उन्हें ज़ाओफैन के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी, पर अंत में म्याओ ट्राइब के बारे में बताते वक्त उसे ज़ाओफैन के बारे में भी उन्हें बताना पड़ता है। उसने अपनी पूरी फाइट को डिस्क्राइब कर दिया था, कैसे उसने लीने और टियानिन टेम्पल के मॉन्क ने एक साथ मिलकर ज़ाओफैन से फ़ाइट की थी और उस फाइट में क्या क्या हुआ था। ये सब बताते वक्त लू के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसकी टीचर देख सकती थी कि लू की आंखों में अभी के लिए एक अलग सी मायूसी दिखाई पड़ रही है, जैसे कि ज़ाओफैन के साथ हुई उसकी फ़ाइट में उसने ऐसा बहुत कुछ किया हो जो कभी नहीं करना चाहती थी। इधर ग्रैंड मास्टर भी ज़ाओफैन के बारे में काफ़ी ध्यान से सुन रहे थे। उनके एक्सप्रेशन भी वक्त के साथ बदलते जा रहे थे। जैसे ही लू अपना कहना बंद करती है, ग्रैंड मास्टर गुस्से में कहते हैं, मुझे उस लड़के को आज से 10 साल पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए था। मुझे नहीं लगा था कि अगर मैं उसे जाने दूंगा तो भविष्य में हमारे लिए इतनी ज़्यादा मुसीबत खड़ी करेगा। ग्रैंड मास्टर की बात सुनकर लू के चेहरे पर अजीब सी परेशानी दिखने लगती है। तभी उसकी टीचर कहती हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, पर जैसा कि लू ने बताया, ज़ाओफैन ने उनके साथ हुई फाइट में उन्हें कड़ी टक्कर दी और वो वहाँ से बचकर भागने में भी कामयाब रहा। ऐसे में ज़रूर वो अभी के लिए लू जितना ही पावरफुल होगा। इस पर ग्रैंड मास्टर ना में अपना सिर लाते हुए कहते हैं, नहीं तुम गलत हो। इस पर टीचर कहती हैं, आखिर मैं कहाँ गलत हूँ और मैंने क्या गलत कहा? इस पर ग्रैंड मास्टर कहते हैं, उस लड़के ने फेंगजियान वैली के ली का सामना किया, टियानिन टेम्पल के मोंग का सामना किया और हमारे क्विंग्विन सेक्रेटरी डिसाइपल्स का सामना किया, वो भी एक साथ।
इसके बावजूद वो मरा नहीं, उल्टा उसने इन्हें कड़ी टक्कर दी और वो वहाँ से बचकर भागने में भी कामयाब रहा। ऐसे में ज़रूर वो अभी के लिए ब्लड स्टिक की पावर को अच्छी तरह से कंट्रोल करना सीख गया है और शायद उसने क्विंगुन सेक्ट, टियानिन टेम्पल और घोस्ट किंग सेक्ट, इन तीनों सेक्ट की कल्टिवेशंस को मर्ज भी कर लिया है। मतलब वो अभी के लिए इन तीनों में मास्टर बन चुका है। ऐसे में जहाँ तक मुझे लगता है, अभी के लिए हमारे क्विंगुन सेक्ट में तो ऐसा कोई नहीं है जो उसे टक्कर दे सके, शायद लू भी नहीं, क्योंकि बुद्धिज़्म, टाविज़्म और इविल सेक्ट की पावर्स को, कल्टिवेशंस को मर्ज करना ही दर्शाता है कि वो अभी के लिए लू से भी ज़्यादा पावरफुल बन गया है। इसलिए लू, अगली बार तुम जब भी उससे मिलो सावधान रहना। इस पर लू हमें अपना सिर हिला देती है। तभी लू की टीचर कहती हैं, काफ़ी बातें हो गई हैं, अब मेरे हिसाब से लू को स्मॉल बैम्बू वैली लौट जाना चाहिए। वो डायरेक्टली सफ़र से यहाँ पर आई है, अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा थक गई होगी, इसलिए उसे रेस्ट की ज़रूरत होगी। इसलिए लू, अभी के लिए तुम स्मॉल बैम्बू वैली लौट जाओ, मैं वहीं आकर तुमसे मिलूंगी। ग्रैंड मास्टर भी कहते हैं, लू जाओ, तुम जाकर अभी आराम करो, इस सफ़र में तुम काफ़ी ज़्यादा थक गई होगी। ये सुनकर लू अपना सिर लाती है और वो उन दोनों को ग्रेट कर कर कमरे से चली जाती है। अचानक से लू की टीचर कहती हैं, फेंगजियान वैली के मास्टर इतने ज़्यादा मिस्टीरियस क्यों हैं? हमारे सेक्ट के डिसाइपल उनसे मिलने गए थे, लेकिन वो उनसे मिलने तक नहीं आए, और अभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट मैटर भी हो गया, फिर भी वो किसी के सामने नहीं आए, आखिर वो करना क्या चाहते हैं? इस पर ग्रैंड मास्टर अपना सिर लाते हुए कहते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता, वो आदमी हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस रहा है, इसलिए वो क्या करना चाहता है इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तभी लू की टीचर कहती हैं, बिग ब्रदर, अभी के लिए जो भी हुआ वो ठीक है, लेकिन अगली बार से लू को किसी भी मिशन पर भेजने से पहले एक बार मुझे ज़रूर बता देना, वो मेरी डिसाइपल है, इसलिए वो क्या करेगी और क्या नहीं ये डिसीजन लेने का अधिकार आपको नहीं है। आपने जो आज से कुछ सालों पहले किया था वो शायद, ये कहकर लू की टीचर रुक जाती हैं। इस पर ग्रैंड मास्टर कहते हैं, जूनियर सिस्टर, क्या तुम ये कहना चाहती हो मैंने ज़ाओफेन के साथ जो किया वो गलत था? इस पर लू की टीचर थोड़ी देर तक शांत रहती हैं, जिसके बाद वो कहती हैं, मैं इस टॉपिक पर कुछ नहीं कहना चाहती, आपने जो डिसीजन लिया था वो सही होगा, पर अभी के लिए मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, लू की लाइफ का कोई भी डिसीजन लेना हो तो एक बार मुझसे ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि वो आपकी डिसाइपल नहीं है, मेरी डिसाइपल है, इसलिए उसके लाइफ के डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुझे और उसे खुद को है। ये कहकर लू की टीचर वहाँ से चली जाती हैं और ग्रैंड मास्टर सिर्फ जाती हुई लू की टीचर को देखते रह जाते हैं। और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।